नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत विस्फोटक स्थिति के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ साथियों, हमारे क्लिनिक पे यहाँ 15 अगस्त आज 4 तारीख को ये वीडियो शूट हो रहा है, 4 सितंबर को 15 अगस्त 2019 को अभी एक हेल्थ चेकअप कैंप लगा, यह थायरो केयर संस्था ने करा था। इसमें 250 लोगों ने अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराया और 250 लोगों ने जो कंप्लीट बॉडी चेकअप कराया, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 210 लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक निकले। मतलब जिनको डायबिटीज थी उनको तो मालूम थी, लेकिन कुल 210 लोग ऐसे थे 250 में जो डायबिटीज के मुकाम पर खड़े थे या जिनको डायबिटीज थी। तो ऐसी विस्फोटक स्थिति को देखकर ही मैं आज आपके सामने यह वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, इसको ठीक करने और मैनेज करने, इसको मैनेज करने वर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, इसको मैनेज करने और ठीक करने के प्रयास की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। डायबिटीज एक ऐसी विस्फोटक स्थिति है जो करीब 10 करोड़ हिंदुस्तानियों को है, और अभी हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि मेरा छोटा सा क्लिनिक है एक, और उसमें अगर 250 लोगों में से 210 लोग डायबिटिक निकलते हैं तो सोच लीजिए स्थिति कितनी विस्फोटक होगी। किसी एरिया एक इलाके की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की एक तस्वीर को छोटा सा एरिया रिप्रेजेंट कर देता है। हम आपको बताएंगे इसको मैनेज करने की दवाओं के विषय में। उससे पहले साथियों बता दें कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। आप लोग बहुत लोग हैं होंगे जिनको डायबिटीज़ है, हम किसी के परिवार में चाचा को डायबिटीज़ है, किसी के फूफा को डायबिटीज़ है, किसी मामा को डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ है क्या ये नहीं ठीक से पता है, बस शुगर है ये पता है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ डायबिटीज़ क्या है। पहली चीज़, डायबिटीज़ साथियों दो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंडिस्पर्स। तो यहाँ पे विषय है डायबिटीज मेलाइटस का, जो ब्लड शुगर से रिलेटेड है। डायबिटीज इंसिडिपस अलग बात है, वो अभी का विषय नहीं है। तो डायबिटीज मेलाइटस साथियों, यह वह स्थिति है जब आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। नॉर्मली होता क्या है साथियों, जो ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, और यह जो है शरीर के सेल्स के लिए एनर्जी का सोर्स होता है और ब्रेन का फ्यूल होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें रोल दो चीज़ों का आता है। पहला रोल आता है इंसुलिन का। ग्लूकोज हमारे लिए दो फॉर्म में होता है, पहला होता है जो हम खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज आता है एसिमुलेट होके फूड, वो होता है। दूसरा सोर्स होता है लिवर, लिवर जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके, ग्लाइकोजिनोलिसिस से ब्रेक करके प्रोसेस से ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज के दो सोर्स हो गए, पहला जो हमने खाना खाया, दूसरा लिवर जिससे ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में बनी। यही हमारी एनर्जी का सोर्स होता है, हमारी कोशिकाओं का ताकत का सोर्स होता है। जो हमारे पैनक्रियाज से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से इंसुलिन सिक्रीट होती है, वह जो है इसी ग्लूकोज को, ग्लूकोज के जो सेल्स होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करती है। जब यह इंसुलिन कम सिक्रीट होने लगती है किसी भी कारण से, चाहे वो पेनक्रियास डिस्ट्रॉय हो रहा हो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, या वो प्रॉपर पूरा सिक्रीट ना कर पा रहे हो, तो यह जब इंसुलिन कम सिक्रीट होती है, जो हमारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में ही तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं, क्योंकि वो सेल्स के अंदर गए नहीं तो यूटिलाइज हुए नहीं, तो वो एक्सेसिव ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, और उसी फिनोमेना को ब्लड शुगर कहते हैं, जो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए सबसे पहली कि ये ब्लड ग्लूकोज होता क्या है, ये कहाँ से आपके बॉडी में आता है। हालांकि आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 80% लोगों को नहीं मालूम ब्लड ग्लूकोज होता क्या है, बस है तो है। ब्लड ग्लूकोज साथियों, जो ग्लूकोज होता है नॉर्मली, वो मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मली वो एनर्जी होती है आपके सेल की, और आपके ब्रेन का फ्यूल होता है।
जब आपके इंसुलिन कम सिक्रीट होने लगता है या इनसफिशियंट हो जाता है, तो वह यह जो ग्लूकोज होता है या सेल के अंदर मॉलिक्यूल जा नहीं पाता है, कोशिका के अंदर या मॉलिक्यूल नहीं जा पाता है और वो आपके ब्लड में रह जाता है, उसी फिनोमेना को ब्लड ग्लूकोज कहते हैं और ये बढ़ा हुआ आता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू साथियों कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है, फास्टिंग होती है 70 to 110 और पीपी होती है यानी पोस्ट पेरिनल होती है यानी 2 घंटे बाद खाने की होती है 110 to 170। WHO इसको थोड़ा आगे तक क्लासिफाई करते हैं यानी 125 तक क्लासिफाई करता है। फास्टिंग जो है आपकी 70 से 125 तक होती है और जो पीपी होता है वह आपका 130 से 220 तक नॉर्मल ग्लूकोज होती है, ऐसा WHO कहता है। लेकिन इंडिया में एम्स में 70 से 130 और 130 से 170 का क्राइटेरिया ही मान्य होता है। साथियों जान लेते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम के बारे में। आप सब लोग जानते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, डायबिटीज़ के सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्यास बहुत लगती है, दूसरा भूख बहुत लगती है यानी थोड़े थोड़े वक्त पे खाना चाहिए, तीसरा वीकनेस बहुत आती है, चौथा रात में पेशाब बहुत आती है, वेट लॉस होने लगता है और फटीग आने लगता है, मसल डिसॉल्व होने लगती हैं और एक कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अगर यह सब सिम्टम आप में मेनली पाए जा रहे हैं वीकनेस के, तो आप समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, एक बार ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं। और जब आपके अगर ब्लड शुगर है और वो बढ़ गया तो आपके शरीर में खुजली होने लगती है, अगर आपको ब्लड शुगर है और आपके शरीर में इचिंग हो रही हो तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्लड शुगर चेक कराने का टाइम आ गया है। और मैं आपसे कहूँगा एक चीज़ और निवेदन करूँगा, यहीं पे बता सिम्टम कर रहा हूँ लेकिन निवेदन करूँगा कि आप ब्लड शुगर की मशीन, अगर किसी को ब्लड शुगर है डायबिटीज़ मेलिटस है तो वो ब्लड शुगर की मशीन खरीद ले चेकअप करने की, क्योंकि एक तो वो बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, दूसरा आप नर्सिंग होम जाने की और वहाँ के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। 70 रुपये आपका खर्चा आता है एक बार चेकअप करने में, 70 रुपये की स्ट्रिप आती है, आफ्टर डिस्काउंट आप थोक मार्केट से ले लीजिए और आप 2-3 रुपये और खर्चा मान लीजिए सेल का और नीडल का, तो 20 रुपये में आपकी ब्लड शुगर घर बैठे चेक हो जाती है। और इमरजेंसी है तो भी आप कर सकते हैं, रात के 2 बजे आप कहाँ नर्सिंग होम जाएंगे, कहाँ शुगर चेक कराएंगे। तो अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो अपने पास एक मशीन आप ज़रूर रखें। और सबसे अच्छी मशीन जो हम लोग अपने घर यूज़ करते हैं वह IQ चेक है। IQ चेक वाले मुझको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे और हैवी ड्यूटी लॉन्ग ड्यूटी के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं अपनी मदर की ब्लड शुगर चेक करने के लिए IQ चेक का इस्तेमाल करता हूँ। 17 रुपये की स्ट्रिप पड़ती है, हमको इकोनॉमिकल पड़ता है और नियर परफेक्ट रिजल्ट देती है। अब साथियों बात कर लेते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के कॉजेज़ की। डायबिटीज़ मेलिटस के कॉज के लिए साथियों सबसे पहले हमने भी आपको वीडियो के शुरू में बताया, आपको ये समझ लेना है कि डायबिटीज़ होता कैसे, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ग्लूकोज जो है आपकी एक तरह से करेंसी होती है, वह मॉलिक्यूल होता है जो आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके अंदर जाके, और जब इंसुलिन सिक्रीट होना कम हो जाता है तो यह ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वह आपके सेल के अंदर नहीं जा पाता एनर्जी देने के लिए और आपके यह ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, यही आपका ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब डायबिटीज़ पहले तो 2 तरह की होती है, यह आप समझ लें, फिर उसके हम लोग कॉज की चर्चा कर लेते हैं। पहला जो डायबिटीज़ होती है वो होती है डायबिटीज़ टाइप 1, यह जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ होती है। इसमें आपका पेनक्रियास डिस्ट्रॉय होता है, वेट इससे लिंक नहीं होता, वेट इसका कॉज नहीं होता है, लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण आपका जो ऑटोइम्यून सिस्टम है बॉडी का वही आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो पेनक्रियास की इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो आपके टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, इसके लिए पेशेंट को इंसुलिन अलग से इंजेक्ट करना पड़ता है। दूसरी जो कंडीशन आती है वो होती है डायबिटीज़ टाइप 2, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ NIDM। यह जो है इसमें आपका इंसुलिन जो होता है वह सफिशिएंट सिक्रीट नहीं होता कि जितना कि सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या रिक्वायर्ड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके सेल के अंदर जा पाएँ, इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। यह मेडिसिन लेकर कवर करी जा सकती है, इसके लिए
तुरंत के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का एक मेन कॉज ओबेसिटी माना गया है। हालांकि हर ओबीस पर्सन को, हर मोटे व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती, लेकिन यह एक बहुत जुड़ा कॉज है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप आज से प्रण कर लें, यह वीडियो देख रहे हो तो आज से प्रण कर लें कि अपने वेट को कम कर देंगे, आपका डायबिटीज टाइप 2 कंट्रोल हो जाएगी। एक साथियों तीसरी तरह की भी डायबिटीज होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो स्थिति होती है कि जब मदर जो है प्रेगनेंसी को बियर करती है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। इसमें होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो प्लेसेंटा होती है वो काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रेट करती है। यह जो हार्मोन्स होते हैं यह तो इंसुलिन को रेजिस्टेंट बना देते हैं, इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देते। उसको कोप अप करने के लिए आपका पैनक्रियास कुदरतन और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है। जिसके पेट में बच्चा होता है, माँ के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वह और इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो जब इंसुलिन और सिक्रीट हो करता है, लेकिन कभी कभी वो जो ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट हो रही वह भी आपके शरीर के हिसाब से कम पड़ जाती है, उस स्थिति को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और उसका कारण जो है वह भी इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय द पैनक्रियास इन द केस ऑफ बियरिंग ऑफ प्रेगनेंसी लेडीज में होता है। अब साथियों आपको हम बताते हैं डायबिटीज मेलिटस को मैनेज करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो कि आप अपनी एलोपैथिक दवा है उसके साथ ले सकते हैं। यहाँ पर होम्योपैथिक दवा की उपयोगिता ये है कि एक तो यह आपकी एलोपैथिक डोज को नहीं बढ़ने देगी, और अगर सूट करी तो आपकी एलोपैथिक डोज को थोड़ा कम भी करेगी। लेकिन ये कतई, मैं इसको रेड लाइन में कह रहा हूँ, ये कतई रिकमेंडेड नहीं है कि आप एलोपैथिक छोड़कर ये होम्योपैथिक दवाएं करने लगे। मेरी मदर को भी डायबिटीज़ है, मैं उनको एक माइल्ड डोज देता हूँ एलोपैथिक दवा की, साथ में होम्योपैथिक दवा देता हूँ। ये दवाएँ आपकी जानकारी के लिए हैं जो बताई जा रही हैं। डायबिटीज़ एक बड़ा गंभीर विषय है जो कि पैरालिसिस से लेकर तमाम सिम्टम क्रिएट कर सकता है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि जो दवा फ़ायदा करती है वो नुकसान भी कर सकती हैं यदि सिम्टम ठीक से मैच नहीं करे। तो बताते हैं आपको साथियों डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। साथियों जैसा भी हमने जिक्र करा था कि हमारे क्लिनिक पर 250 लोगों का डायबिटीज़ का 15 अगस्त 2019 को चेकअप हुआ था, उसमें से 210 लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक निकले। तो प्री डायबिटीज़ की होम्योपैथी में टॉप दवा है चियोनेंथस विर। चियोनेंथस का मदर टिंचर आप 20 ड्रॉप्स 2 टाइम्स ले सकते हैं अगर आपको लीवर के एलिमेंट्स हैं और आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। तो टॉप दवा होम्योपैथी में है चियोनेंथस विर, जो कि आपके डायबिटीज़ को ठीक कर देगी। साथियों होम्योपैथी में डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की सबसे कारगर दवा मेरे हिसाब से, मेरे क्लिनिक के रिजल्ट्स के हिसाब से आर्सेनिक एल्बम। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो अगर आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें तो आप देखेंगे कि उसका डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगा। ये खूबसूरती आर्सेनिक एल्बम की इसलिए है कि इसके तमाम सिम्टम डायबिटीज़ के सिम्टम से मैच करते हैं। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ को गला सूखता है, बार बार प्यास लगती है, आर्सेनिक एल्बम के मरीज़ का भी गला सूखता है, उसको बार बार प्यास लगती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में एक एनजाइटी बेचैनी होती है, आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में भी एनजाइटी और बेचैनी होती है। आर्सेनिक इनफेक्ट एनजाइटी की सबसे अच्छी दवा है। डायबिटीज़ के पेशेंट में स्किन पर एक वैक्सी लुक होता है, आर्सेनिक के मरीज की स्किन में भी वैक्सी लुक होता है। यह कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो आर्सेनिक को बहुत इनेबल कर देते हैं बेस्ट टॉप मेडिसिन होने में होम्योपैथी में डायबिटीज़ की। फिर साथियों एक स्थिति आती है डायबिटीज़ में कि पेशाबी नहीं हो रही है, आपके ब्लड शुगर है और आपको पेशाब बहुत कम हो रही है। अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है रिटेनिया। आप रिटेनिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपको पेशाब बहुत कम हो रही हो। तो रिटेनिया 30 इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू एट दैट मोमेंट।
फिर एक स्थिति आती है डायबिटीज में कि आपके वेट लॉस बहुत तेज होने लगा, आपका जो है हड्डियों का ढांचा रह गए। अगर यह स्थिति आपको डायबिटीज में हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अब्रोमा ऑगस्टा। आप अब्रोमा ऑगस्टा का मदर टिंचर 20 ड्रॉप 3 times ले सकते हैं। आप देखेंगे जो आपका डायबिटीज़ के कारण एमेशिएशन हो रहा है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वह रिकवर हो गया और आप थोड़ा सा स्वस्थ अपने में हो गए, गठा शरीर हो गया। तो अब्रोमा ऑगस्टा इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस व्हेन देयर इज़ वेट लॉस। एक स्थिति साथियों डायबिटीज़ में आती है कि सुबह उठे तो मुँह चिपका हुआ रहा, इतना ज़्यादा मुंह सूखा कि मुंह चिपक गया। अगर वह स्थिति है और आपको डायबिटीज़ है तो होम्योपैथी में उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा, या कहूँ सबसे कारगर दवा है कार्बो वेजिटेबल्स। आप कार्बो वेज 30 power में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। उस स्थिति में जब आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है सुबह के वक्त, आपको गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है और आपका पेट खराब रहता है और आपको वीकनेस बहुत रहती है, उन सिम्टम्स की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा कार्बो वेजिटेबल्स है। एक स्थिति आती है साथियों कि जिसके डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ आँख को बहुत नुकसान पहुंचाता है, विजन को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कैटरैक्ट भी कर देता है जल्दी। आजकल के दौर में कैटरैक्ट सबको होना है, मोतियाबिंद सबको होना है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज को यह जल्दी हो जाता है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं और अपने विजन की जो वीकनेस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा डिम विजन ड्यू टू डायबिटीज़ की है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस वाली एम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो विजन है वो भी प्रॉपर हो गया, आपकी वीकनेस भी दूर हो गई और अगर हेयर फॉल आपको हो रहा है तो हेयर फॉल भी रुक गया। फॉस्फोरस के मरीज़ को ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है और शाम को इवनिंग टाइम पर उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। साथियों जैसा भी हमने जिक्र करा था कि हमारे क्लिनिक पर 250 लोगों का डायबिटीज़ का 15 अगस्त 2019 को चेकअप हुआ था, उसमें से 210 लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक निकले। तो प्री डायबिटीज़ की होम्योपैथी में टॉप दवा है चियोनेंथस विर। चियोनेंथस का मदर टिंचर आप 20 drops 2 times ले सकते हैं अगर आपको लीवर के एलिमेंट्स हैं और आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। तो टॉप दवा होम्योपैथी में है चियोनेंथस विर, जो कि आपके डायबिटीज़ को ठीक कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके डायबिटीज़ हो गई और आपके कब्जियत है। अगर यह स्थिति आपके है कि आपके ब्लड शुगर है और आपके कब्जियत है साथ में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सनिक ब्रोमेटम। आप आर्सनिकम ब्रोमेटम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल हो गया, यानी डायबिटीज़ भी आपका मैनेज हो गया और आपका कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो गया। यदि साथियों आपके एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रही डायबिटीज़ के केस में, तो उस स्थिति को ठीक करने की और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा साइजेजियम जम्बलिकम है। साइजेजियम जम्बलिकम जामुन को कहते हैं, जामुन की गुठली का यह एक्सट्रैक्ट होता है, जामुन का एक्सट्रैक्ट होता है। इसको मदर टिंचर फॉर्म में आप 20 drops 2 times ज़रूर लें अगर आपको डायबिटीज़ है। फिर एक स्थिति आती है साथियों डायबिटीज़ के पेशेंट में कि हर समय पेशाब लगा रहता है। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इस सिम्टम की और डायबिटीज़ को ठीक करने की और आपकी किडनी को स्वस्थ रखने की, वह है टेरेक्सकम। आप टेरेक्सकम उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको हर समय पेशाब जाना लगा रहता है, हर समय आपको लगता है कि हम पेशाब करने चले जाएं। तो फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन की सबसे अच्छी दवा टेरेक्सकम है। एक स्थिति आती है साथियों डायबिटीज़ में कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। अगर आपके एक्सट्रीम वीकनेस है और डायबिटीज़ है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिड फॉस। व्हेन द पेशेंट इज़ वीक मेंटली, दिमागी तौर पे अगर आप वीक हो रहे हैं और शारीरिक तौर पे भी वीक हो रहे हैं, तो एसिड फॉस इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस। इसको आप 2-2 बूंद एसिड फॉस 200 power में 2-2 बूंद आप दिन में 2 बार ले लें। आप देखिए कि जो मेंटली आप वीकनेस आ रही है वह पूरी तरह ख़त्म हो गई और आप राहत पा गए। एक साथियों स्थिति आती है कि आपके जो यूरिन हो रही है, पेशाब हो रही डायबिटीज़ में, उसमें जलन बहुत है। तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपकी यूरिन हो रही, पेशाब हो रही, उसमें बहुत जलन है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिडम एसिटिकम। एसिडम एसिटिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपकी जो पेशाब आ रही बड़ी कोपियस है, उसमें जलन है और
आपका वेट लॉस हो रहा है और आपके वीकनेस बहुत है, तो एसिडम एसिटिकम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू, यह दवा आपको आराम दे देगी। एक स्थिति साथियों आती है, तमाम पेशेंट हमारे क्लिनिक आते हैं जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, यानी डायबिटीज़ ब्लड शुगर होता है, और उनकी एंकल सूज जाती है, उनका यह जो टखने की हड्डी होती है यह सूज जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है अर्जेंटम मेटालिकम। आप अर्जेंटम मेटालिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो एंकल स्वेल हुई है ड्यू टू डायबिटीज़ यह भी ठीक हो गई, और आपको ताकत वीकनेस भी ख़त्म हो गई और आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होने लगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको डायबिटीज़ और उससे आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा, तो अगर आपको नेफ्रोपैथी हो रही है और डायबिटीज़ से आपकी किडनी को नुकसान पहुँच रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएँ हैं, और दवा का नाम है लाइकोपोडियम और एल्सेरम। लाइकोपोडियम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब डायबिटीज़ के कारण आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा है और आपको भूख बहुत कम लगती है, तो लाइकोपोडियम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू। और अगर आपका डायबिटीज़ के कारण सेरम क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो होम्योपैथी में निश्चित उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा एल्सेरम है। इसको 7x पावर में आप 10-10 बूंद 4 बार ले लें, आप देखेंगे यह एल्सेरम दवा लेने से कि आपका क्रिएटिनिन कम होने लगा, नॉर्मल की तरफ आने लगा, और अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन यानी एल्बुमिन आ रहा है वह भी ठीक हो गया। फिर एक साथियों स्थिति आती है कि आपके डायबिटीज़ है और साथ में आपको इम्पोटेंसी है। अगर यह स्थिति आपके हो रही कि आपको डायबिटीज़ और साथ में इम्पोटेंसी है, तो उसको ठीक करने की यानी सेक्सुअल पावर को रीगेन करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मॉस्कस। आप मॉस्कस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगा और आपका जो उसके कारण होने वाला आपको सेक्सुअल वीकनेस है वह भी खत्म हो जाएगी। फिर एक स्थिति आती है जो कि सबसे कॉमन स्थिति होम्योपैथी में हम डायबिटीज़ में हम कहेंगे वो है न्यूरोपैथी। नर में वीकनेस आने लगी, सुन्नपन आने लगा, पैरों में सुन्नपन आने लगा, उंगलियों में सुन्नपन आने लगा, झंझनाहट होने लगी। अगर यह डायबिटिक न्यूरोपैथी की आपको दिक्कत है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएँ हैं, 2 दवाएँ हैं इनफैक्ट। पहली दवा है एसिड फॉस और दूसरी दवा है हाइपेरिकम। आप एसिड फॉस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार और हाइपेरिकम 32 बूंद दिन में 3 बार उस मरीज को दे सकते हैं। इसकी नसों में कमजोरी आ गई हो, नर्व में वीकनेस आ गई हो, उसको टिंगलिंग हो रही हो, उसको सेंसेशन लॉस हो रहा हो, उसके नमनेस आ गई हो एक्सट्रीमिटीज़ में, चाहे वो अपर हो या लोअर, तो एसिड फॉस एंड हाइपेरिकम आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। फिर एक स्थिति आती है साथियों डायबिटीज़ में कि आपके पैर में अल्सर हो गए, फुट में अल्सर हो गए, यह बहुत कॉमन कंडीशन है जो डायबिटीज़ के साथ जुड़ी रहती है। तो अगर ऐसी स्थिति आप में आ गई है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सिकेल कॉर्नेटम है। आप सिकेल कॉर 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो पैरों में अल्सर्स आ रहे हैं, छाले आ रहे हैं, घाव हो रहे हैं, वह ठीक हो गए और आप ठीक हो गए। और अगर ये गैंग्रीन का फॉर्म ले रहा है, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, वो एक अलग वीडियो है, पड़ा हुआ है, क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है डायबिटीज़ में गैंग्रीन होना। फिलहाल अल्सर्स के लिए, फुट अल्सर्स के लिए सबसे अच्छी दवा सिकेल कॉर है। फिर साथियों एक स्थिति आती है डायबिटीज़ के पेशेंट में, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो अगर डायबिटीज़ है आपको और आपको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है हैबिचुअल, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम सल्फ्यूरिकम और कार्लसबैड, यह बहुत अच्छी दवा है आपके। नेट्रम सल्फ्यूरिकम 200 पावर में आप 3 खुराक वीकली ले लें और कार्लसबैड आप 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है ड्यू टू डायबिटीज़ वह ठीक हो गया और आप स्वस्थ हो गए। एक स्थिति आती है साथियों जब आपको डायबिटीज़ के साथ हाइपर एसिडिटी हो जाती है, आपके डायबिटीज़ है साथ में आपको हाइपर एसिडिटी भी है, सीने में बहुत जलन हो रही है, तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में है पैनक्रियाटिनम। आप पैनक्रियाटिनम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका डायबिटीज़ भी ख़त्म हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है एटलीस्ट, और आपका हाइपर एसिडिटी भी ख़त्म हो गई।
फिर एक स्थिति आती है साथियों कि डायबिटीज़ है और मेमोरी वीक हो गई, बहुत कॉमन सी बात है, ये नॉर्मल बात है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी मेमोरी वीक हो रही है तो इस वीकनेस ऑफ मेमोरी को रोकने की होम्योपैथी में तीन बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है एसिड फॉस्फोरिकम, दूसरी है सल्फर और तीसरी है जिनको बैलोबा 1x पावर में। आप एसिड फॉस 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। एक दवा नक्सोमिका भी है, नक्सोमिका 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। और आप जिनको बैलोबा 1x एक एक टैबलेट दिन में तीन बार ले सकते हैं आपको, या मदर टिंचर फॉर्म में जिनको बैलोबा को 20 ड्रॉप 2 टाइम्स ले सकते हैं। आप देखेंगे कि इन दवाओं से आपकी मेमोरी रीगेन होने लगी। और सल्फर 1 mg की तीन खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। ये दवा लेने से आपकी मेमोरी का लॉस रुकेगा और न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन रुकेगा और मेमोरी में इम्प्रूवमेंट भी होगा। फिर साथियों की स्थिति आती है डायबिटीज़ में, जब आपके डायबिटीज़ मेलाइटस है और आपके जलन हो रही है शरीर में। तो अगर यह स्थिति आपके होती है कि आपके शरीर में बर्निंग हो रही है और आपके डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिफिलेंड्रा इंडिका। आप सिफिलेंड्रा इंडिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके जो यह बर्निंग है बॉडी की, यह ख़त्म हो गई और आप ठीक हो गए। एक स्थिति साथियों आती है डायबिटीज़ में कि हथेली और तलवों में जलन होने लगती है, पाम्स में और फुट के सोल में जलन होने लगती है। तो अगर यह स्थिति आपके है कि आपके पाम्स में जलन हो रही है या आपके फुट के सोल में जलन हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की तीन खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपको डायबिटीज़ मेलाइटस में और जलन तो खत्म हो ही जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटस में भी फ़ायदा मिल जाएगा। एक स्थिति आती है साथियों, आपके डायबिटीज़ है और आपका वज़न गिरता जा रहा है, आपके काफ़ी तेज़ी से एमेसिएशन हो रहा है। तो अगर वह स्थिति हो कि आप हड्डियों का ढांचा हो गए हो और आपके डायबिटीज़ है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा यूरेनियम नाइट्रिकम है। आप यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आपका बॉडी की भी रिकवरी हो जाएगी और आपका एमेसिएशन भी ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। एक स्थिति साथियों होती है डायबिटीज़ में कि डायबिटीज़ होता है साथ में एल्बुमिनेरिया हो जाता है, यूरिन में एल्बुमिन आने लगती है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो आप कहते हैं साहब, डॉक्टर कहता है यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। तो अगर यह स्थिति आप में होती है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रस एरोमेटिका। रस्टॉक्स जैसा पेन हो रहा है लेकिन एल्बुमिनेरिया हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा रस एरोमेटिका है। इसका 30 पावर में दो दो बूंद आप दिन में तीन बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका एल्बुमिनेरिया यानी एल्बुमिन यूरिन में जो आ रहा है वो प्रोटीन, वो भी ख़त्म हो गया और आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके डायबिटीज़ भी है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी है, बॉडी पेन भी है और एल्बुमिनेरिया भी है। अगर यह चारों चीज़ें आप में हैं तो इन चारों स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत दवा है। एक दवा है ग्लिसरीन। आप ग्लिसरीन 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आपका यह चारों सिम्टम जो बताए गए हैं, चारों सिम्टम ठीक हो जाएंगे और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगेगा। एक स्थिति आती है कि आपको डायबिटीज़ है, साथ में हेडेक है और साथ में डिस्पेप्सिया यानी पेट भी खराब है। अगर तीन स्थिति आप में है, ये डायबिटीज़ है, हेडेक है और आपका पेट खराब है, तो इन तीनों स्थितियों को ठीक करने की होम्योपैथी में एक दवा का नाम है चियोनेंथस। आप चियोनेंथस का मदर टिंचर 20 ड्रॉप 2 टाइम्स ले लें। आपका डायबिटीज़ में जो लगातार बना रहने वाला हेडेक है और पेट खराब होना है, दोनों सिम्टम ठीक हो जाएंगे और डायबिटीज, डिस्पेप्सी और हेडेक तीनों को यह दवा चियोनेंथस ठीक करेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, डायबिटीज़ है और पेट में जलन हो रही है। अगर यह स्थिति आपके है कि डायबिटीज़ है और पेट में जलन हो रही है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आयरिस वेसिकुलर। आयरिस वेसिकुलर 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आपका पेट में होने वाली जलन और डायबिटीज़ दोनों ठीक होने लगेगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके डायबिटीज़ है, साथ में आपका ब्रेन का डिजेनरेशन शुरू हो गया, आपके ब्लड वेसल्स का डिजेनरेशन शुरू हो गया। अगर यह स्थिति आप में किसी में होती है कि आपका
डायबिटीज़ है और साथ में ब्रेन का डिजेनरेशन हो रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा वैनेडियम है। वैनेडियम 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा लेने से आपका जो ब्रेन का डिजेनरेशन हो रहा है, सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज फ्यूल होता है ब्रेन का, और जब इंसुलिन आपके कम है तो वह ग्लूकोज आपके ब्रेन में जा ही नहीं पा रहा है, और जब ब्रेन में सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है तो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। उस स्थिति से निपटने की साथियों दवा वैनेडियम है, आप वैनेडियम लेके देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। अगर किसी माँ के जो प्रेगनेंसी को बॉन्ड करे है, जेस्टेशनल पीरियड में है, बच्चा उसके पेट में है, उसको डायबिटीज़ है, इसको कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और उसके पेशाब बहुत ज़्यादा आती है, तो उन दोनों स्थितियों को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा है साथियों लैक डेफोरेटम। आप लैक डेफोरेटम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकती हैं। जब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी डायबिटीज़ हो रही है और आपको पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब आ रही है, तो लैक डेफोरेटम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू। फिर साथियों साथ ही में इसके कंडीशन है कि जब आपके प्रेगनेंसी है उस समय डायबिटीज़ ठीक हो गई। अभी बात हुई कि प्रेगनेंसी है तो डायबिटीज़ बढ़ गई, प्रेगनेंसी है तो डायबिटीज़ ठीक हो गई। अगर यह स्थिति होती है कि प्रेगनेंसी से आपको एमिलरेशन हो रहा है डायबिटीज़ में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है ट्यूबरकुलिनम। आप ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक सिंगल डोज ले लें, आप देखेंगे कि आपका या जो सिम्टम है यह ठीक हो गया, यानी कि डायबिटीज़ फिर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ही ठीक नहीं रहेगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी या प्रेगनेंसी के बाद भी वो नॉर्मल रहेगी। ट्यूबरकुलिनम ऐसी मैजिकल दवा है, इसका एक बार आप इस्तेमाल करके देखें। ये साथियों होम्योपैथी में कुछ दवाएं थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों की बात हो रही है, जो मैं ये कर रहा था ये 10 करोड़ लोगों की बात हो रही है। तो यह एक वीडियो था आपके लिए, जो कि आपको डायबिटीज़ की समस्या से मैनेज करने में एटलीस्ट बहुत हेल्प करेगा। एक और बड़ा अच्छा नुस्खा साथियों हमने कहीं पढ़ा था और हम अपने मरीज़ को बताते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बेल, चिराता, तुलसी, गुदमुरवटी, हल्दी, करेला, ग्लोय, इन सब का पाउडर ले लें 100-100 ग्राम और मिक्स करके एक बॉक्स में रख लें, रोज़ सुबह 1 चम्मच सुबह शाम लिया करें, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल होने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर साथियों आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर दें, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करा जाएगा। ये साथियों अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो होम्योपैथी को आपके और करीब लाने का, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और शायद आपने कर दिया हो औरों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा नए से नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका साथियों इतने लंबे वक्त तक, मेरा ख्याल ये 25-30 मिनट से कम का वीडियो नहीं होगा, इतने लंबे वक्त तक हमारे साथ बने के लिए, साथ देने के लिए आपका साथियों बहुत बहुत आभार। Thank you.